मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम और दुआ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सेहत मिल रहे हैं। आमीन। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ कलब सैंडविच, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। शाम में चाय के साथ और या फिर आपके घर में अर्जेंट कोई मेहमान आ जाए तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है जो आप उनके सामने रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप के करीब चिकन लिया हुआ है और यहाँ पर मिक्स मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी है। एक हरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। इसको मैंने बारीक चॉप करके डालना है। साथ में मैंने यहाँ पे 6 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। और इसके बाद मैंने नमक लेना है इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, या थोड़ा सा चख लेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बढ़ा देंगे। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने काली मिर्च ली है। और यहाँ मस्टर्ड पेस्ट मैंने रखा हुआ है, ये भी मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच डालूँगी। और यहाँ पे मायनीज़ है, ये तकरीबन मेरे 5 चम्मच मैं आपको बता रही हूँ मैक्सिमम डालने के लिए। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये चिकन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि मैं उसमें कितनी ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है ये मैंने बॉयल की हुई, सिर्फ सिंपल मैंने बॉयल की हुई है, इसको मैंने इसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स हैं, ये मैंने ली हुई हैं, ये मैंने डाल दी, थोड़ी सी ली है, ज़्यादा नहीं ली है। अच्छा, अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, ये आपके पास ऑप्शनल है। ये तकरीबन बिल्कुल फाइन चॉप करनी है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन यह 1/2 टीस्पून के करीब है, ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। आप अगर हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, चख कर देख लूँगी मैं, थोड़ा सा अगर लगेगा तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो फिर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये मस्टर्ड पेस्ट, ये इतना मैं चाय का चम्मच डाल रही हूँ। इसका जो जायका होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। अब इसके अंदर मायनीज जाएगी, वो तकरीबन 5 टेबल स्पून, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैंने इनफ बताए हैं, अगर मुझे इससे भी कम में काम हो गया तो मैं उतना डालूँगी। ये 1 डाल दिया मैंने चम्मच, ये 2 और ये 3 डालती हैं। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करके देखती हूँ कि मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी अभी। और अब 3 टेबल स्पून के बाद मुझे 1/4 चम्मच मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं ये डाल रही हूँ। ठीक है, बस चलिए, अब ये मेरी ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। नमक मिर्च बिल्कुल जो मैंने आपको बताया बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें उसको नीचे नहीं करिएगा। अच्छा, ये मेरे पास सैंडविच जो है ब्रेड है, अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैं इसके ब्राउन पीसेस जो हैं वो मैं काट दूँगी और बहुत तो अब ये मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ इसको इक्वली। अब ये देखिए मैंने ये इसमें मैंने लगा दिया है और ये इसमें सैंडविच में पूरी फिलिंग करके मैंने इसको अच्छे तरीके से फिल कर लिया। अब मैं इसके त्रिकोण शेप में इसके मैं पीस कर लूँगी, किसी तेज़ छुरी से करिएगा और ऐसी आम जैसे छुरी होती है उसमें मत करिएगा, वरना आपके जो सारी चीज़ है उसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो चलें इसको काटती हूँ मैं। ये तैयार है मेरे क्लब सैंडविच, चिकन क्लब सैंडविच। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।